हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैनवा डिजाइन हिंदी यूट्यूब चैनल बाय रवि चौहान, फ्री में सीखे कैनवा डिजाइन। ओके, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है आपके जो कोई इमेज है उसमें ड्रॉप शैडो कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी कैनवा में फ्री वर्जन हो तो भी आप कर सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। ओके, तो चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कोई भी इमेज को आपको शेडो लगानी है वो इमेज को आपको अच्छी तरीके से एड कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज को ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे आपको अभी सिंपली क्या करना है, ये इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट इमेज पे एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही इतना प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ शैडोज करके इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। ये एक ऐप है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे यूज पे एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही इतना ही करोगे एक बार क्लिक, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जितने भी डिफॉल्ट इफेक्ट्स है वो यहाँ पे दिखा देगा। ओके, अच्छे से ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इसमें भी काफी सारी एक गलती लोग कर बैठते हैं, तो ये ना हो आपसे तो ये वीडियो अच्छे से देखते रहे। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 इफेक्ट है यहाँ पे, जो कोई भी आपको पसंद आती है इफेक्ट, तो वो इफेक्ट को आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ गया है। अभी इसमें भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इफेक्ट आपकी यहाँ पे शैडो की इफेक्ट यहाँ पे आपने दे रखी है, उस पे यहाँ पे कुछ ऐसे 3 लाइन और डॉट बीच में दिख रहे हैं, वहां पे भी आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोर ऑप्शन खुल जाएंगे और इससे आप बेहतर तरीके से जो कोई भी जिस भी यहाँ पे एंगल पे आपको ये वाला शैडो दिखाना है वो अच्छी तरीके से आप दिखा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे इम्पैक्ट भी आ रहा है, और यहाँ पे आपको कलर भी चेंज कर सकते हो, ताकि एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कलर चेंज करके, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम ज्यादा भी आप कर सकते हो उसकी। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आपको कलर भी डिफॉल्ट चेक कर सकते हो। ये तो रही एक एक चीज की बात। यहाँ पे अभी मैं दूसरा भी आपको डेमो दिखा के बताता हूँ कि कैसे दूसरी भी यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है। तो सिंपल क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको शैडो मिल जाएगा, और यहाँ पे जो जितनी भी दूसरी भी है इफेक्ट्स वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे विद इन वन क्लिक वो सारी चीजें हो जाती है, जो हमें बार बार यानी कि काफी सारे कुछ पैंतरे लगाने पड़ते हैं उससे होती है। तो और यहाँ पे सब ऑप्शंस पे यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 लाइंस यही बात थी जो काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं, पता नहीं रहता है कि ऐसे भी चीज होती है। तो यहाँ पे से आप क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस है उसके तरीके से आप इसको बेहतर अच्छी तरीके से बना सकते हो। ओके, होप ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल रहा होगा, तो यहाँ पर मेरे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।